मैंने एक वीडियो देखा है जो कोई अपने आप को वकील कहता है, उसने ये कहा है कि जो नया कानून निकला है उसमें 291 सेक्शन में ये है कि अगर आप किसी भी कुत्ते को कंबल दो या खिलाओ तो आप उसके मालिक हो गए, और फिर उसके बाद अगर कुत्ते ने किसी को काटा या किसी के पीछे भागा या कुछ भी उसकी वजह से चोट आई तो आपको जेल में डाला जा सकता है और आपको फाइन देना पड़ेगा। ये बिल्कुल झूठ है। ये शायद वकील है भी नहीं, या अगर है तो उसको ये समझना चाहिए कि अगर मैं किसी को कंबल दे दूं या किसी को खाना खिलाऊं तो मैं उसके मालिक नहीं बन गई। नहीं तो अगर मैं कोई भिखारी को अगर कंबल दे दूं और उसको खाना खिलाऊं तो मैं उसके मालिक बन गई या उसके क्या बन गई, माँ बन गई, पिताजी बन गए? बिल्कुल नहीं। लाखों लाखों लोग इस देश में जानवरों को खिलाते हैं, चाहे गौशालों में, चाहे कुत्तों को, चाहे कोई भी जानवर को, चाहे चिड़ियों को। अगर मैं चिड़ियों को खाना खिला दूं तो मैं चिड़ियों के मालिक बन गई हूं। अगर कल मैं भिखारी को 50 रुपए दे दूं और वो 50 रुपए के साथ उस भिखारी ने शराब पी लिया तो क्या मेरी गलती है? शराब के लिए मुझे उठाया जाएगा? ये बिल्कुल ही गलत है।